अल्लाह के महबूब ने इरशाद फरमाया, फोहश मिजाजी और फोहश गोई, बेहुदा बोलना और बेहुदा तर्ज जिंदगी अख्तियार करना, फरमाया ये दोनों चीजें इस्लाम से नहीं है, इनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। इस्लाम तो लतीफ दीन है, इस्लाम तो खूबसूरत दीन है, इस्लाम तो दीन मोहब्बत है। फरमाया तुम में से सबसे अच्छा इस्लाम उसका है जिसके खुल्क अच्छे हैं। और अल्लाह के महबूब ने फरमाया, बोइस्तो लिउतम्मिमा मकारिमल अखलाक, मैं इसलिए भेजा गया हूं कि मैं अखलाकियात की कदरों को बुलंद कर दूं, अखलाकियात की कदरों को ऊंचा करने के लिए, उनकी तकमील के लिए मैं भेजा गया हूं। और अल्लाह के महबूब के अखलाक ऐसे हैं कि खुद मेरा रब कहता है, इन्नका लआला खुलुकिन अजीम, महबूब तेरे खुल्क अजीम है। तो जिसके खुल्क को मेरे रब ने भी अजीम कहा, वो खुल्क कितने अजीम होंगे। को लड़ाना हराम है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हु रवायत बयान करते हैं, फरमाया लानती है वो शख्स जानवरों को आपस में लड़ाता है, वो लानती है जो जानवरों को आपस में, मैं और आप उस मुल्क में रहते हैं जहाँ करोड़ों रुपए की शर्तें लगती हैं जानवरों की लड़ाई, जानवरों को अजियत दी जाती है, तकलीफ दी जाती है, कबूतर उड़ाए जाते हैं, और इनाम उसको मिलता जिसका कबूतर देर के बाद आए, कबूतर बाज कबूतर को बैठने नहीं देता। ये हराम है, शरीयत इस्लामिया में हराम है जानवरों का लड़ाना और उनको एक दूसरे के खिलाफ उभारना हराम है, दीन में मना किया गया है। अब जानवर को अगर पालेंगे भी तो उस हद तक पालेंगे कि जिस हद तक उसको किसी अजियत में मुब्तला ना किया जाए। कुत्तों की लड़ाई कराई जाती है, मुर्गों की लड़ाई कराई जाती है, जानवरों को अजियत पहुंचती है, बैलों की लड़ाई होती है, सींग टूट जाते हैं, लहू इतना बहता है जानवरों का कि देखा नहीं जाता, लेकिन सामने बैठने वाले तालियां बजा रहे हैं। ये तो बड़े सख्त दिल लोगों के रवैये, जानवर का खून बह रहा है और आप तालियां बजा रहे हैं, मुर्गे बेचारे की चूंच लहू लुहान हो गई है, सामने वाले ने इतना मारा है और यहाँ तालियां बज रही है कि मेरा जीत गया, बजाय इसके कि उसको पट्टी की जाती उसको देखा जाता। ये तो संगदिल लोगों का काम है, हम तो रहमत लिल आलमीन नबी के गुलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे दीन ने तो हमें ये मिजाज ही नहीं दिया, हमने तो प्यार करना है, हमने तो मोहब्बत बांटनी है, हमने तो शफकत करनी है।